नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। कर्क राशि वालों, 15 जून तक भगवान सूर्य देवगुरु बृहस्पति आमने सामने बैठकर आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही बुध देव की कृपा बरसेगी। वीडियो के अंत तक बने रहें, यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। गोचर में एक ऐसा योग बन रहा है जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। सूर्य 15 मई से, आपको तो पता ही है वृषभ राशि जो उनकी शत्रु राशि है, विराजमान है। बृहस्पति वृश्चिक राशि में है और सूर्य आमने सामने बैठकर सम सप्तक योग बना रहे हैं। बृहस्पति अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि के घर में रहने के कारण शुभता तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन ये जो सम सप्तक राजयोग है, साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग आपकी किस्मत को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 15 जून तक राजयोग ही राजयोग है। वैसे तो कर्क राशि में सूर्य धन भाव का स्वामी है और बृहस्पति लग्न स्थान का स्वामी है। दोनों आमने सामने बैठे हैं, किस्मत को चमकाएंगे, भाग्य को बदल कर रख देंगे, सोई किस्मत को जगाने का कार्य करेंगे, यानी भाग्य से धन की प्राप्ति होगी और ये सम सप्तक योग जीवन को जीवन में ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां देगा दोस्तों। लेकिन एक बात है, कर्क राशि यानी कि लग्न का मंगल यहाँ पर आपके स्वामी हैं और संतान को देख रहा है जून के महीने में, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। लेकिन 22 जून के बाद यानी 23 जून से आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर बिना मतलब के गॉसिप में ना पड़े, वाद विवाद में ना पड़े। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय पर ध्यान दें, कर्जे ना दें, उधार ना दें और पैसों के लेन देन में हिसाब में सावधानी रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो 23 जून के बाद मंगल थोड़ी सी अड़चने दे सकता है जीवन में, तो सावधानी रखिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा ताकि शुभता बढ़ती रहे। दोस्तों अब बात करते हैं विपरीत राजयोग की, कब और कैसे बनेगा। चलिए, बुध विपरीत राजयोग बना रहा है और विपरीत राजयोग में 3 गुना ज़्यादा धन आता है, लेकिन थोड़ी सी स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जैसे हमने कहा, मंगल भी राशि परिवर्तन करेगा 23 जून के बाद, तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही है। इसके पहले बुध देव आपको धनवान बनाकर रख देंगे, यानी बुध मिथुन राशि में आकर राहु के साथ बैठकर आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देंगे। और विपरीत राजयोग में तो पैसा बहुत आता है। बुध जो बुद्धि के कारक हैं, क्विक रिजल्ट देने वाले हैं, यानी फटाफट जीवन में सब कुछ देते हैं, तो आपकी बुद्धि को एक्टिव भी रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहेगा और विपरीत राजयोग आपको धनवान भी बनाएगा, यानी किस्मत को पूरी तरह से बदलने को तैयार ये समय। दोस्तों बुध मंगल और राहु तीनों एक साथ बैठकर 12वें भाव में आपके पास धन तो बहुत आएगा, लेकिन खर्चे भी होंगे, तो खर्चे पर थोड़ी सी नियंत्रण रखना है और संतान की तरक्की कराएंगे। आपके साथ आपकी संतान के लिए भी ये समय बहुत भाग्यशाली है। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, है तो उनके कारण आपका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। बुधदेव आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर रखेंगे और बुद्धि से जो भी आप अचीव कर सकते हैं उन सभी क्षेत्रों में आपको तरक्की होगी। आप अपनी बुद्धि और वाणी के बल पे बहुत तरक्की करेंगे और बुद्धदेव यहाँ पर क्या होगा, आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बढ़ाएंगे। वैसे कर्क राशि वाले बहुत साहसी होते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है, वो पीछे बहुत कम ही आते हैं। तो कर्क राशि वाले भूमि भवन से भरपूर होते हैं, ये समय भी खास है। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, आप क्या चाहते हैं ये खुद आपके हाथ में है, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो मनुष्य की चाहत होती है। हम आपसे विदा लेते हैं, अपनी चाहत को पूरा करें, 3 गुना ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ये समय खास है, सदुपयोग कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।